देवाल की पिंकी हत्याकांड के हत्यारे के एक बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने से आंदोलन के समर्थन में उतरे नामी गिरामी संगठनों के लोग जनपद चमोली के विकासखंड देवाल के खेतक मानमती की दलित पिंकी की गोली मारकर हत्या करने वाले हत्या आरोपी की एक साल बाद भी गिरफ्तारी न हो सकने के चलते गुस्साए क्षेत्रीय जनता जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों में शासन प्रशासन के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा। इस सिलसिले में पिछले 7 दिनों से लोग देवाल बाजार के टैक्सी स्टैंड पर अनवरत धरने पर बैठे। बताया जा रहा हत्या आरोपी घटना की रिपोर्ट करने के बाद से ही फरार चल रहा। उसके बाद हालांकि पुलिस प्रशासन ने हत्या आरोपी को भगोड़ा घोषित कर रखा, उसके ऊपर इनाम भी रखा और उसके घर की कुर्की भी तय रखी है, लेकिन वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। लोगों का कहना हत्यारोपी शासन यानी कि भाजपा का करीबी, इसलिए उसे बचाने की कोशिश एक साल से जारी है। इस बात से जनता में आक्रोश बन गया, अब धरना प्रदर्शन जारी हो गया। अब इस आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए विकास नगर देहरादून के दलित और नेता और भारत संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच के राष्ट्रीय संयोजक और सदस्य का राष्ट्रीय कार्यकारिणी संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली दौलत कुंवर भी लगभग 350 किलोमीटर की दूरी तय करके जनपद चमोली के विकासखंड देवाल में मृतका पिंकी के हत्यारोपी की गिरफ्तारी के लिए धरना स्थल पर आंदोलनकारियों को अपना समर्थन देने पहुंचे। उन्होंने सरकार को साफ लब्जों में चेतावनी दी, यदि पिंकी के हत्यारे की 9 दिन के अंदर गिरफ्तारी न की जाती तो उनका पूरा राष्ट्रीय संगठन पिंकी को न्याय दिलाने में सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होगा। आज धरने को समर्थन देने के लिए प्रमुख ब्लॉक देवाल दर्शन दानू, पूर्व प्रमुख देवाल श्रीमती नंदी देवी भी धरना स्थल पर बैठी। इंसाफ दिलाने के लिए मैं यहाँ पर देवाल में आया हूं और ये समर्थन भारत संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच और संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से दिया जा रहा है और ये समर्थन तब तक जारी रहेगा जब तक या तो पिंकी को इंसाफ मिलेगा या मैंने बात कर ली मुस्लिम समाज के लोगों से, फिर हम लोग मुस्लिम बनेंगे आप सीधे, फिर मुसलमान बनना पड़ेगा, उनके साथ जाएंगे। क्योंकि होता क्या है, जो मुसलमान बन जिस गांव में जिस कॉलोनी में मुसलमान रहते हैं, दो परिवार केवल नंगे कपड़े कुछ नहीं होते, उनके बच्चों को उनको कोई नहीं छेड़ता, आसमानी कलर का पट्टा होता है, ललितों पर जगह जगह मारा जाता है। क्यों? क्योंकि इनको पता है मारने वाले लोगों को कि इनके बस का कुछ नहीं है। इसलिए मैं आज यहाँ पर बैठकर ये बात कर रहा हूँ देवाल चमोली। आज हम लोग भारत संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस क्षेत्र के प्रथम नागरिक माननीय प्रमुख साहब दर्शन दानू जी भी इस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए अपना समर्थन देने के लिए धरना स्थल पर पहुँचे हैं और बड़ी तादाद में ग्रामीण यहाँ पर पहुँचे हैं और भारत संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच और संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से मुझे भेजा गया है समर्थन के लिए। मैं आज यहाँ समर्थन दे रहा हूँ और ये समर्थन अब तब तक जारी रहेगा जब तक पिंकी के कातिल सलाखों के पीछे नहीं होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर कि कृपया आप संविधान का पालन करिए। संविधान में जो इस बेटी की हत्या हुई थी 13/10/2021 को और उसके 3 दिन के बाद बड़ी मुश्किल पटवारी द्वारा धारा 302 SC/ST एट्रोसिटी एक्ट, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बकायदा दोबारा जजमेंट करके पूरा सर्कुलर जारी किया पूरे देश में कि SC/ST एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी होगी, जांच बाद में होगी, लेकिन यहाँ का शासन प्रशासन कैसे सोया हुआ है ये दुर्भाग्य की बात है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी आपके द्वारा 9 दिन के अंदर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो 10वें दिन पूरे देश के संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य और जो अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं देश स्तर पर, मैं उनके संपर्क में हूँ, उनके साथ काम करता हूँ। 22 राज्यों में भारत संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच के कार्यकर्ता है, उन सब से मैं आह्वान करूँगा कि आप आइए पिंकी के साथ साथ
जगदीश चंद हत्याकांड अल्मोड़ा, मोनाली हत्याकांड हर्रावाला, मुकेश कुमार हत्याकांड विकासनगर, और ये क्या नाम है अपना सुनील कुमार हत्याकांड मसूरी, और बिरेंदर लाल हत्याकांड देवाल, इनको इंसाफ दिलाने के लिए मुख्यमंत्री आवास के बाहर मैं अनिश्चितकालीन धरने पर बैठूंगा। आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। पिंकी हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी है गुलाब सिंह, वो फरार चल रहा है एक वर्ष से, विगत एक वर्षों से वो फरार चल रहा है, और हमारा जो कर्मिक धरना है वह आज आठवां दिन लगातार जारी रहा, और भारत संविधान संरक्षण अधिकार संरक्षण मंच के राष्ट्रीय संयोजक श्री दौलत कुंवर जी हमें समर्थन देने पहुँचे हैं। हमारे विकासखंड के प्रथम नागरिक डॉक्टर दर्शन दानो जी ब्लॉक प्रमुख, वो हमें उनका समर्थन प्राप्त हो रहा है, और हमें इस आंदोलन से यह लग रहा है कि जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी होने वाली है, क्योंकि जो पुलिस की कार्रवाई रही है इस बीच काफ़ी तेज है, और जल्द से जल्द पिंकी। खबर भारतवर्ष के लिए देवाल चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।